नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने यूनिक परिवार में। बेटा, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अध्याय 22 की, जिसका नाम है नियोजन एवं सतत विकास। ठीक है, नियोजन से संबंधित हमने पिछले अध्याय में चर्चा की थी। इस अध्याय में हम सबसे पहले दो पॉइंटों पर नज़र डालेंगे। तो देखो, 2011 के अनुसार अगर हम देखें तो भारत में लगभग कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। किसके अनुसार देखना है? 2011 के अनुसार। भारत में कितने लोग थे जो गरीबी रेखा से नीचे थे? तो बेटा, इसमें आपको याद रखना है 40.37 करोड़। ये जो लोग थे, ये क्या थे बेटा? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले। ये लोग कौन थे बेटा? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले थे। ठीक है, और यही चीज अगर हम देखें 2004-5 में, कब है 2004-5 में अगर हम बात करें तो ये जो आंकड़ा है ये कितना था बेटा? 32.63। 22 कितना था? 32.63 करोड़ लोग। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये दो नंबर का अध्याय है बेटा। तो देखो, 2011 के अनुसार अगर हम देखें तो भारत में जो निर्धनता है, या फिर मैं कहूँ जो गरीबी रेखा है उसे नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं वो कितने थे? 40.37 करोड़ थे। और 2004-5 में देखें तो वो संख्या कितनी थी? 32.63 करोड़। कितनी थी? 32.63 करोड़ थी। याद रह जाए, 2011 में कितनी है? 40.37। 4-5 में देखें तो कितनी है? 32.63 करोड़। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि विकास एवं नियोजन क्या है। अगला पॉइंट रहेगा विकास एवं नियोजन। विकास एवं नियोजन, तो नियोजन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो दोनों को एक साथ शामिल करते हैं। तो इसके अंतर्गत किन को शामिल किया गया, यानी इस पे हमें एक टिप्पणी लिखनी है बेटा, एक छोटी सी क्या करनी है? टिप्पणी करनी है। तो देखो, योजनाओं एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन। भारत में स्वतंत्रता के बाद से ही ग्रामीण विकास के पुनर्निर्माण हेतु संगठित प्रयास किए गए। किसके विकास हेतु? ग्रामीण विकास। हेतु प्रयास किए गए। कब किए गए थे? स्वतंत्रता के बाद से। इसमें हमें बेटा टिप्पणी करनी है, तो क्या बताना है कि योजनाओं एवं कार्यक्रम, यानी कोई भी योजना, नियोजन में योजनाएं पड़ी थी, तो योजनाएं एवं जो कार्यक्रम हैं उनके क्रियान्वयन भारत में स्वतंत्रता के बाद से ही ग्रामीण विकास के पुनर्निर्माण हेतु क्या किया गया था? प्रयास किया गया था। कब से किया गया था? स्वतंत्रता के बाद से किया गया था। अब देखो, सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसी में आता है बेटा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम।
तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो कब हुई थी, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो हुई थी 1952 में। कब हुई थी शुरुआत? 1952 में हुई थी। इसका लक्ष्य क्या है? अब देखो बेटा, लक्ष्य की बात करें, ये जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम का क्या लक्ष्य है? तो इसका लक्ष्य है बेटा कि गांव के पारंपरिक जीवन शैली के सुधार करके, किसमें, जो ग्रामीण पारंपरिक जीवन शैली में सुधार क्या करना है, जो ग्रामीण पारंपरिक जीवन शैली है उसमें क्या करना है बेटा, सुधार करना है। सुधार करके क्या प्राप्त करवाना है, जो ग्रामीण है किसमें, सुधार करके ग्रामीणों में क्या करना है बेटा, समानता व न्याय का अधिकार। पॉलिटिकल में पढ़ा था, समानता व न्याय का अधिकार दिलाना हो गया है। यानी इसका जो प्रमुख लक्ष्य है वो क्या है कि जो ग्रामीण पारंपरिक जीवन शैली है उसमें सुधार करके ग्रामीणों में समानता व न्याय का अधिकार दिलवाना है। पहली बात तो उनकी जीवन शैली में सुधार करना है, सुधार करके उनके मध्य समानता तथा जो न्याय है उनके अधिकारों को क्या करना है, इनको उपलब्ध करवाना है। तो विकास एवं नियोजन पे अगर टिप्पणी से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये पॉइंट इसमें लिखने हैं। आगे चलते हैं, तो आगे देखो बेटा, विश्व की गरीबी रेखा की अवधारणा, सबसे पहले देखेंगे कब, यानी विश्व की गरीबी रेखा की जो अवधारणा है वो कब प्रस्तुत की गई थी, तो याद रखना है 1945 में। कब की गई थी बेटा? 1945 में। अब किसने, यानी 1945 में किसने प्रस्तुत की थी, तो किसने का नाम आया तो इसमें लिखना है खाद्य एवं कृषि के प्रथम निर्देशक, खाद्य एवं कृषि के प्रथम निर्देशक किसने प्रस्तुत की थी बेटा, खाद्य एवं कृषि के प्रथम निर्देशक ने की थी, जिनका नाम क्या था, लॉर्ड बॉयड। ये जो निर्देशक था ना बेटा, ये कौन था, लॉर्ड बॉयड। अब अगर क्वेश्चन आता है कि विश्व की गरीबी रेखा की अवधारणा कब और किसने प्रस्तुत की थी, तो आपको क्या बताना है, इसकी अवधारणा की बात करें तो 1945 में किसने खाद्य एवं कृषि के प्रथम जो निर्देशक थे, कौन थे, लॉर्ड बॉयड, इसने क्या किया था बेटा, विश्व की गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ठीक है, आगे देखते हैं कि निर्धनता होती है वो कितने प्रकार की होती है, यानी जो गरीबी है वो कितने प्रकार की। पाठ सरल है,
बस थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। अब बात करेंगे बेटा निर्धनता की, यानी गरीबी कितने प्रकार की होती है। इसमें दो प्रकार याद रखने हैं, एक तो है सापेक्ष, एक है निरपेक्ष। पहले कौन सी हैं? सापेक्ष। दूसरे कौन से हैं? निरपेक्ष हैं। ठीक है, और सापेक्ष क्या होते हैं? तो देखो, जब प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है, तो कम आय, ध्यान देना, जब प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है तो जो कम आय वाले व्यक्ति हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? कौन सी आय वाले? कम आय वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? सापेक्ष। कम आय, आय से संबंधित बात आई है तो सापेक्ष। इसमें तो किसकी बात आई है बेटा? आय, ध्यान रखना, आय की। लेकिन निरपेक्ष है, इसमें आय की बात नहीं होगी, बल्कि किसकी होगी? कैलोरी से संबंधित होगी, कैलोरीन उपभोग। थोड़ा परिवर्तन दिखाई दिया, पहले में सापेक्ष में क्या है? आय है, लेकिन निरपेक्ष की बात की है तो क्या आता है? कैलोरीन उपभोग आता है। तो जब कैलोरीन उपभोग, जो उपभोग है को देखा जाता है, को देखा जाता है या फिर देखा जाए तो क्या कहलाएगा? निरपेक्ष। देखा जाता है तो निरपेक्ष निर्धनता कहा जाता है। तो निर्धनता कितने प्रकार की है? दो है, पहले सापेक्ष, दूसरे निरपेक्ष। सापेक्ष में हमें क्या देखना है बेटा? आय देखनी है, यानी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, और कम आय वाले हैं वो क्या हैं? सापेक्ष हैं। निरपेक्ष में हमने क्या देखा? कैलोरीन देखा, यानी कैलोरी से संबंधित बात हुई है। तो कैलोरीन उपभोग को देखा जाता है तो क्या कहा जाता है? निरपेक्ष निर्धनता कहा जाता है। ठीक है, निर्धनता कहा जाता है, याद रह जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे गरीबी की, कि गरीबी क्या है। तो बेटा गरीबी क्या होती है, किसे कहते हैं? तो गरीबी क्या है, इसका तात्पर्य क्या है बेटा? विकास के विपरीत। गरीबी का तात्पर्य की बात करें तो तात्पर्य क्या है? विकास के विपरीत। याद रह जाएगा, यानी कहने का अर्थ क्या है? विकास की विपरीत क्या हो गया? एक तो विकास की कमी, पहली बात तो क्या हो गई? विकास की कमी, विपरीत है तभी तो कमी आई है। दूसरा पॉइंट इसी से संबंध लें तो लोगों का अल्प विकास, लोगों का अल्प विकास, यानी लोगों का क्या हुआ है? विकास कम हुआ है। तीसरी बात करें तो इसमें आता है बेटा पिछड़ेपन से है। ये तो तात्पर्य है, यह क्या हो गया? आशय से संबंधित हो गया। ठीक है,
तो गरीबी क्या है, ऐसा पूछा जाता है कि गरीबी से आप क्या समझते हो, तो आपको क्या बताना है कि गरीबी का तात्पर्य किससे है, विकास के विपरीत से है। इसका आशय विकास की कमी, अल्प विकास, पिछड़ेपन से है। बस इतना ही लिखना है बेटा, किसमें, गरीबी में। याद रहेगा तात्पर्य विकास के विपरीत है, आशय की बात करें तो विकास की कमी, अल्प विकास और पिछड़ेपन से है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि भारत में जो गरीबी का मापन है वो किनके द्वारा, यानी कौन कौन सी विधियां हैं। गरीबी समझ गए, अब भारत से संबंधित बात करते हैं इसमें बेटा, कि भारत में गरीबी का मापन किन विधियों द्वारा किया जाता है। भारत में गरीबी का मापन ठीक है कितनी विधियां किनके द्वारा देखना है, यानी किन विधियों द्वारा भारत में गरीबी का मापन किया जाता है। तो पहला लिखना है मैं कैलोरी से संबंधित, न्यूनतम कैलोरी। पहला किससे संबंधित रहेगा बेटा, न्यूनतम कैलोरी उपभोग से संबंधित है। दूसरे की बात करते हैं, प्रति व्यक्ति आय। दूसरा क्या रहेगा, प्रति व्यक्ति आय, वो भी क्या है बेटा, प्रतिमा, याद रखना है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में गरीबी का मापन है वो किनके द्वारा किया जाता है, किन विधियों के माध्यम से होता है, तब आपको क्या बताना है कि भारत में गरीबी का मापन दो विधियों द्वारा होता है। पहला है न्यूनतम कैलोरी उपभोग और दूसरा क्या आता है, प्रति व्यक्ति आय, वो भी क्या है बेटा, प्रतिमाह। ये दो पॉइंट हैं किसमें, गरीबी मापन की विधियों में, कहाँ पे, भारत में। आगे हम चर्चा करेंगे इसमें कि योजना आयोग के अनुसार भारत में गरीबी है वो किस प्रकार से है, तो इसे में शामिल कर देते हैं। कैलोरी से संबंधित बात आएगी बेटा इसमें, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में कितनी कैलोरी होनी चाहिए। कहाँ पे देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पोषण प्राप्त करने वाला व्यक्ति माना जाता है कितनी कैलोरी वाला, 2400 कैलोरी। और अगर यही चीज हम देखें कहां पे, शहरी क्षेत्रों में, कहां पे देखते हैं बेटा, शहरी क्षेत्रों में देखते हैं तो कितनी कैलोरी हो जाएगी, 2100 कैलोरी। ये चीज़ आपको बेटा जो गृह विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी है, यानी गृह विज्ञान में भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं वो प्रतिदिन पोषण प्राप्त करते हैं कितनी कैलोरी प्राप्त करते हैं, तो 2400 कैलोरी प्राप्त करते हैं। यही चीज़ शहरी क्षेत्रों में अगर देखी जाए तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पोषण प्राप्त करने वाला है वो कितनी कैलोरी प्राप्त करता है, 2100 कैलोरी प्राप्त करता है। तो योजना आयोग के अनुसार भारत में अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति पोषण होता है और शहरी क्षेत्रों में यही कितना होता है, 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति पोषण प्राप्त करता है। अब बेटा आगे देखते हैं, समिति है एक जिसका नाम है तेंदुलकर समिति। ये तो समझ में आ गया, गरीबी का मापन दो विधियों द्वारा, ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी होता है और शहरी क्षेत्रों में कितना कैलोरी होता है। अब दो समिति हैं, पहली है तेंदुलकर समिति, तो देखो तेंदुलकर समिति
तो तेंदुलकर समिति है उसकी अगर हम बात करें 2011-12 के अनुसार अगर हम बात करें तो 2011-12 के अनुसार तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए बताए हैं? एक तो कौन सा क्षेत्र है? ग्रामीण क्षेत्र। दूसरा कौन सा होता है बेटा? शहरी क्षेत्र। तो इस समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में तो 27 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 33 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं माना जाएगा। याद रखना 2011-12 के अनुसार बताया है। किसने बताया यह भी ध्यान में रखना कि 2011-12 के अनुसार तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपए तथा शहरी क्षेत्रों में 33 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च करने वाला जो व्यक्ति है वो गरीब नहीं माना जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति इतने रुपए खर्च करता है तो वह व्यक्ति क्या नहीं माना जाएगा? गरीब नहीं माना जाएगा। कितने रुपए? 27 रुपए और 33 रुपए। किसके अनुसार? तेंदुलकर समिति के अनुसार। कब? 2011-12 में। ठीक है, आगे देखो। इसी समिति ने 11-12 में देखें तो कितने लोगों को गरीबी रेखा से नीचे माना है? तो इसने ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो कितने लोगों को गरीबी रेखा से नीचे माना है? 21.65%। इतने लोग हैं वो किससे नीचे हैं बेटा? गरीबी रेखा से नीचे हैं। किससे नीचे हैं? गरीबी रेखा से नीचे हैं। याद रह जाएगा। तो तेंदुलकर समिति है, इसमें आपको दो पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट तो आपको बता दिया कि अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 33 रुपए खर्च करता है तो वह गरीब नहीं माना जाएगा। और इसी के अनुसार जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनकी संख्या कितनी बताई है? 21.65% बताई है। कितनी है? 21.65% लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में किससे नीचे आते हैं? गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। अगली आती है बेटा इसी में समिति, रंगराजन समिति। पहली तेंदुलकर समिति, तो देखो रंगराजन समिति, इस समिति ने क्या बताया? देखो कि भारत में कुल गरीब लोग कितने हैं? किसके अनुसार? इसके अनुसार। कहां पे? भारत में कुल गरीब लोग, रंगराजन समिति के अनुसार भारत में कुल गरीब लोग हैं वो कितने हैं? तो आपको बताना है 36.30%। कितने हैं? 36.30% लोग हैं वो क्या हैं बेटा? गरीब हैं। अब इसमें अलग अलग देखें कि ग्रामीण क्षेत्र में कितने हैं और शहरी क्षेत्र में कितने हैं। कुल की संख्या कितनी है? 36.30। अब किसकी बात करेंगे? ग्रामीण क्षेत्र। दूसरा कौन सा है? शहरी क्षेत्र। यानी इस समिति के अनुसार जो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम बात करें कि गरीबी रेखा से कितने लोग नीचे जीवन यापन करते हैं तो इसमें आपको बताना है 26.05% लोग हैं वो क्या हैं? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।
अब कुल में से इतने घटा दो, बाकी बच गए वो किसके आ जाएंगे बेटा, शहरी क्षेत्रों के आ जाएंगे। कितने हैं, 10.25% लोग क्या हैं, शहरी क्षेत्रों में गरीब हैं। तो रंगराजन समिति है उसमें आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है कि भारत में कुल गरीब लोग हैं उनकी संख्या कितनी है, 36.30% लोग हैं वो क्या हैं, एकदम से गरीब हैं। उनमें से ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 26.05% और शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 10.25% लोग क्या हैं, गरीब हैं। ये किसके अनुसार बात कर रहे हैं, हमें रंगराजन समिति के अनुसार बात कर रहे हैं। तेंदुलकर समिति में हमने देखा था कि जो लोग 27 रुपये और 33 रुपये प्रतिदिन खर्च कर रहे हैं वो क्या नहीं माने जाएंगे, गरीब नहीं माने जाएंगे। और 21.65 कितने, 21.65 ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं वो क्या हैं, गरीब हैं। अब आगे चलते हैं तो बेटा आगे आएंगी योजनाएं। आगे इसमें हम क्या पढ़ेंगे, योजनाओं से संबंधित पढ़ेंगे कि भारत सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं। उन योजनाओं को पढ़ेंगे हम अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।